आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट द इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन फैशन डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग। तो गाइज, इस वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके बिगिनर्स के लिए, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लेते ही वहाँ से आप सबको एक लंबा सा लिस्ट मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट और टूल्स की। तो ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इनमें से क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें से आपको ये भी पता चल जाएगी कि किस टूल्स एंड किस इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। और एक और बात गाइज, आप इस चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेजरिंग टेप, इससे मेजरमेंट ली जाती है। इसके दो साइड्स होते हैं, एक साइड इंच में रहते हैं और एक साइड पे ये सेंटीमीटर्स में दिखाए जाते हैं। तो इससे पैटर्न करने के टाइम या ड्राफ्टिंग करने के टाइम भी मेजरमेंट मेजर की जाती है, और बॉडी से मेजरमेंट लेते टाइम भी इस टेप से ही मेजरमेंट ली जाती है। नेक्स्ट ये है एल स्क्वायर स्केल, इसको टेलरिंग एल स्क्वायर स्केल भी कहा जाते हैं। इस स्केल से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ की जाती है, क्योंकि एक पैटर्न ड्राफ्टिंग करने के टाइम एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी स्केल से वो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट है ये स्ट्रेट लाइन स्केल या स्ट्रेट रूलर, तो ये बहुत टाइप के होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं, स्टील्स के होते हैं और वुडन स्केल भी होते हैं। मेनली पैटर्न ड्राफ्टिंग के टाइम इस स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। ये है फ्रेंच कर्व स्केल, फैशन डिजाइनिंग में इसके यूजेस तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि नेक लाइन में इसके यूजेस होते हैं, आर्म होल ड्रॉ करने के लिए इसके यूजेस होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्केल है। ये है हिप कर्व स्केल, हिप कर्व स्केल से पैटर्न करने की टाइम बॉडी के कर्व लाइन ड्रॉ की जाती है। बॉडी के अलग अलग शेप्स होते हैं, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइंस होते हैं, कहीं पे भी कर्व लाइंस होते हैं। तो इसी हिप कर्व स्केल से बॉडी के कर्व लाइन को शेप दी जाती है। ये है आर्म कर्व स्केल, आर्म कर्व स्केल से आर्म की शेप दी जाती है पैटर्न करने की टाइम, जैसे कि स्लीव्स के पैटर्न करने की टाइम इसी स्केल से शेप दी जाती है। ये है लेग कर्व स्केल, पैटर्न करने की टाइम किसी भी ट्राउजर, सलवार या पैंट, इस तरह के लोअर गारमेंट्स की पैटर्न करने की टाइम इसी स्केल से लेग की शेप दी जाती है। ये है आर्ट कर्व स्केल, इस स्केल को मेनली मिनिएचर पैटर्न ड्राफ्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। इस एक स्केल पे एक साइड एल स्क्वायर भी है, हिप कर्व स्केल भी है और मिडिल में फ्रेंच कर्व स्केल होते हैं। तो मिनी पैटर्न ड्राफ्टिंग करने के लिए इस स्केल को यूज की जाती है। एक स्केल में ही यहाँ पे 3 स्केल होते हैं, यानी कि ये 3-in-1 स्केल है। ये है क्विल्टिंग स्केल, इसी स्केल से क्विल्टिंग के साइज मेजरमेंट की जाती है। किसी भी गारमेंट बनाने के टाइम क्विल्टिंग के साइज कितने होगी ये मेजरमेंट की जाती है। ये है 360 डिग्री प्रोटेक्टर और राउंड प्रोटेक्टर, इस राउंड प्रोटेक्टर से पैटर्न करने की टाइम अलग अलग एंगल ड्रॉ की जाती है, क्योंकि एक पैटर्न करने के लिए बहुत सारे एंगल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पैटर्न में बहुत सारे एंगल्स यूज की जाती है। तो इसी राउंड प्रोटेक्टर और 360 डिग्री प्रोटेक्टर से वो एंगल ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट है डिवाइडर एंड कंपास, तो डिवाइडर और कंपास की भी यूजेस बहुत होते हैं पैटर्न मेकिंग या फैशन डिजाइनिंग में। तो मेनली अम्ब्रेला कटिंग के पैटर्न ड्राफ्टिंग करने के टाइम इस तरह की कंपास की जरूरत पड़ती है। ये है पैटर्न पेपर, तो ये जो पैटर्न की जाती है वो इस तरह की पेपर के ऊपर ही की जाती है। तो ये पेपर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर कटिंग पेपर भी होते हैं,
और ब्राउन कलर पेपर भी होते हैं, तो मेनली पैटर्न मेकिंग करने के लिए इस तरह के ब्राउन पेपर ही यूज की जाती है, क्योंकि ये पेपर लॉन्ग होते हैं और किसी भी साइज के ड्रेस की पैटर्न इनमें फिट हो जाते हैं। ये है ड्राफ्टिंग बुक। किसी भी पैटर्न को ड्राफ्टिंग करने के लिए इस बुक को यूज की जाती है। इनमें ग्रीडिंग होते हैं, इसी ग्रीडिंग को मेंटेन करके यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ की जाती है। ये है ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल। तो फैशन डिजाइनिंग में इसके यूजेस तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि कोई भी ड्राफ्टिंग करने के लिए या किसी भी फैब्रिक को कटिंग करने के लिए हमें कोई फ्लैट सरफेस चाहिए, तो इसके लिए इस तरह के टेबल्स यूज की जाती है। तो इस तरह के टेबल्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैं इसके वीडियो बाद में आपको बना के दिखाऊंगी, इसके ऊपर एक बाद में वीडियो डालूंगी मैं इसी चैनल में। तो इसी तरह की टेबल के ऊपर कटिंग की जाती है और पैटर्न ड्राफ्टिंग भी की जाती है। ये ट्रेसिंग व्हील्स है। पैटर्न करने के बाद एक पैटर्न से एक और पैटर्न ट्रेसिंग करने के लिए इस ट्रेसिंग व्हील को यूज की जाती है। सिर्फ पैटर्न पेपर ही नहीं, फैब्रिक में भी ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस की जा सकती है। दिस इज कॉल्ड स्विंग गॉज। स्विंग गॉज से किसी भी गारमेंट्स की सीम अलाउंस मेजरमेंट की जाती है। किसी की फैब्रिक को स्टिच करने के बाद उसके कितने सीम अलाउंस हुए हैं, स्विंग गॉज से ये मेजरमेंट कर सकते हैं। ये पेपर कटिंग सीजर है, तो इसी सीजर से पैटर्न करने के बाद उस पेपर पैटर्न को जब कटिंग की जाती है तभी इस टाइप के सीजर्स यूज करते हैं। ये फैब्रिक कटिंग सीजर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि इस टाइप के फैब्रिक कटिंग सीजर से फैब्रिक कटिंग की जाती है। ये पिंकिंग शीयर्स है। तो पिंकिंग शीयर्स से मेनली जिगजैग करके फैब्रिक या पेपर्स को कटिंग की जाती है। फैशन डिजाइनिंग में इस तरह की शीयर्स बहुत यूज होते हैं। दिस इज कॉल्ड रोटरी कटर। तो रोटरी कटर से मेनली फैब्रिक कटिंग की जाती है। फैब्रिक तो सीजर से भी कटिंग की जाती है, पर कुछ टाइप के फैब्रिक होते हैं जो कि सीजर से अच्छे से कटिंग नहीं की जाती है, तो उस टाइप के फैब्रिक को कटिंग करने के लिए इस टाइप के कटर यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड रोटरी कटर। ये थ्रेड कटर है। थ्रेड कटर से थ्रेड कटिंग की जाती है। तो नेक्स्ट है बटन होल मेकर एंड मार्किंग होल। तो बटन होल मेकर से मेनली बटन होल को मेक की जाती है, बटन होल बनाया जाते हैं, और ये जो मार्किंग होल है, मार्किंग होल से मार्क किए जाते हैं। नेक्स्ट ये है एग्जैक्टो नाइफ। तो एग्जैक्टो नाइफ से बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं फैशन डिजाइनिंग में। पैटर्न मेकिंग करने के टाइम बहुत सारे कटिंग में ये इस तरह की नाइफ यूज होते हैं। ये पैटर्न नॉचर है। तो पैटर्न नॉचर से मेनली नॉचेस दी जाती है। ये सीम रिपर है। सीम रिपर का काम है कभी भी किसी गारमेंट्स को स्टिचिंग करने के बाद अगर गलती से कोई स्टिच में मिस्टेक आ गई है तो उस स्टिच को ओपन करने के लिए यूज होते हैं। ये है ट्वीजर। ट्वीजर से नीडल में थ्रेडिंग की जाती है, खास करके 5-थ्रेड मशीन या ओवरलॉक मशीन जो होते हैं उनमें थ्रेडिंग करने के लिए इस तरह की ट्वीजर्स यूज की जाती है। ये टेलरिंग चौक है। इसको मार्किंग चौक भी बोला जाते हैं। इस टाइप के चौक से फैब्रिक के ऊपर मार्किंग किए जाते हैं, उसी मार्किंग के हिसाब से फिर उस फैब्रिक को कटिंग किए जाते हैं। ये पिन और पिन कुशंस है। इस तरह के पिन की फैशन डिजाइनिंग में बहुत यूजेस होते हैं, खास करके ड्रेपिंग करने के टाइम इस तरह की पिन से मैनिक्विन के ऊपर फैब्रिक को फिक्स किया जाते हैं। इसके अलावा भी इस पिन के बहुत सारे यूजेस हैं।
ये पेपर पिन है। पेपर पिन स्टिचिंग करने के टाइम बहुत काम आते हैं। जब हम कोई फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिचिंग करते हैं तो उस टाइम वहाँ पे पेपर पिन लगाने से फैब्रिक एक जगह फिक्स्ड हो रहते हैं। ये आयरन एंड आयरन टेबल है। आयरन की तो बहुत सी यूजेस है, क्योंकि कोई भी ड्रेस बनाने से पहले उस फैब्रिक को आयरन कर लेना पड़ता है, ड्रेस बनाने के बाद भी उस फैब्रिक को आयरन करनी पड़ती है। तो फैशन डिजाइनिंग या ड्रेस मेकिंग में आयरन के यूजेस तो बहुत होते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉट ग्लू गन। किसी भी गारमेंट्स को डेकोरेशन करने के लिए, जैसे कि फैब्रिक फ्लावर या कोई स्टोन, इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह के जो ट्रिम्स होते हैं वो लगाने के लिए हॉट ग्लू गन की यूजेस होते हैं। इसे कहते हैं थिम्बल। स्विंग करने के टाइम या स्टिचिंग करने के टाइम इस तरह के थिम्बल को फिंगर में पहन लेनी चाहिए, ताकि नीडल फिंगर में चूक ना जाए। This is the most important instrument used in fashion design. It's called dress form. किसी भी कस्ट्यूम को फिटेड बनाने के लिए इस तरह के ड्रेस फॉर्म यूज की जाती है। इस तरह के ड्रेस फॉर्म मेनली टॉर्शो तक होते हैं और ये स्टैंडर्ड बॉडी साइज के ही होते हैं। मेल, फीमेल, किड्स, हर डिफरेंट साइज के ड्रेस फॉर्म मिल जाते हैं। मेनली ड्रेपिंग प्रोसेस में ड्रेस बनाने के लिए इस तरह के ड्रेस फॉर्म यूज की जाती है। ये मैनीक्विन है। फैशन डिजाइनिंग में मैनीक्विन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कोई भी गारमेंट्स, कोई भी कस्ट्यूम तैयार होने के बाद इस तरह की मैनीक्विन और डमी में वो शो अप की जाती है, ताकि वो कस्ट्यूम और भी अट्रैक्टिव लुक्स में दिखे। तो ड्रेस फॉर्म और मैनीक्विन में क्या डिफरेंसेस है? ड्रेस फॉर्म कस्ट्यूम को तैयार करने के टाइम यूज की जाती है, फिटेड करने के लिए यूज की जाती है, और मैनीक्विन उसी डिजाइनर फैब्रिक को, उसी डिजाइनर कस्ट्यूम को शो अप करने के लिए यूज किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पिक ग्लास। इस पिक ग्लास के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं। ये थ्रेड काउंट करने के लिए काम आते हैं। ये पीक ग्लास डिटरमिन करता है कि किसी भी ओवन फैब्रिक के रैप और वेब में कितने नंबर ऑफ यर्न्स है। दोज आर हैंड एम्ब्रॉयडरी टूल्स। हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि हैंड एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, हैंड एम्ब्रॉयडरी फ्रेम के स्टैंड, नेडल, इस तरह के बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। दिस इज कॉल्ड मास्किंग टेप। पैटर्न मेकिंग करने के टाइम इस मास्किंग टेप की यूजेस बहुत होते हैं। दिस आर पेन पेंसिल इरेजर्स। फैशन डिजाइनिंग में पेन पेंसिल इरेजर्स के काम तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रेस को ड्राफ्टिंग करने के लिए या किसी भी ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो है पेन और पेंसिल्स। दिस इज अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की यूजेस तो बहुत होते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारे मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशंस, डिविशंस, एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेट करनी पड़ती है। बहुत सारी डिजिट फ्रैक्शन में भी आती है, इसलिए कैलकुलेटर की जरूरत तो जरूर है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आज के वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल में प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।